मानकापुर थाना अंतर्गत जबरन चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अयाज अहमद खान बल्द अनिस अहमद खान को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडवधरे ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी ये एमएससीबी के ऑफिस में बिल कलेक्शन का काम करते हैं। 17 तारीख को करीब 1:30 बजे के दरमियान फिरियादी ये एमएससीबी ऑफिस में काम कर रहे थे, तब वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम में गए। तभी एक अज्ञात आरोपी ने लॉकर की चाबी चोरी करने के उद्देश्य से फिरियादी के सर पर पत्थर मारकर उन्हें जख्मी किया। इसकी शिकायत उन्होंने मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अयाज अहमद खान वल्द अनिस अहमद खान को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडवधरे ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 17/5/2021 रोजी पागलखाना चौकामध्ये एक वीज बिल कलेक्शन सेंटर आहे। त्या सेंटरमध्ये एक मुलगी कलेक्शन करायला किंवा ते कम्प्युटरवर काम करायला होती आणि त्या दरम्यान दुपारी ती दुपारच्या 1 ते 1:30 वाजताच्या दरम्यान ती वॉशरूमला गेली असताना बाथरूममध्ये कोणीतरी अज्ञात मुलाने तिच्या डोक्यावर दिलं, तिचं भिंतीवर डोकं आपटून तिला जखमी केलं जबरी चोरी करण्याच्या उद्देशाने, अशी तक्रार प्राप्त होती। आणि त्या तक्रारीवरून 394 गुन्हा दाखल होता आणि आम्ही सर्वांनी टेक्निकल तांत्रिक मदतीने आणि गोपनीय हे करून यंत्रणा सगळ्या लावून त्या आरोपीचा शोध घेतलेला आहे। सध्या आरोपी अटक आहे आणि आरोपीचं नाव आहे अयाज अहमद खान। त्याचं वय 25 वर्ष आहे, तो मेकोसबाग येतो राहतो आणि आता सध्या तो PCRमध्ये। सध्या तरी तो काही कामधंदा करत नव्हता, त्याच्यावर कर्ज वगैरे होतं असं तो सांगत आहे आणि त्या दरम्यान त्याच वृत्तीतून त्याने तो गुन्हा केला असावा असं आमचं प्राथमिक तपासात। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।